हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब कोडिंग। और इस वीडियो में आज हम अपना क्वेश्चन करेंगे आइट्रेटिव प्री पोस्ट और एंड ट्रैवर्सल। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए बाइनरी ट्री दिया हुआ है, तो हमें इसका प्री ऑर्डर भी चाहिए, इन ऑर्डर भी चाहिए और पोस्ट ऑर्डर भी चाहिए। ठीक है, हमें ये तीनों चीज़ प्रिंट करनी है। अब पहले समझ लेते हैं प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर होता क्या है। तो अगर आप अपने यूलर पाथ में देखें तो यूलर पाथ कुछ इस तरीके का होता है। तो जब आप यूलर पाथ में अपने लेफ्ट से जाते हो तो वो प्री ऑर्डर होता है। लेफ्ट मतलब प्री, और जब बीच में आते हो लेफ्ट से आने के बाद जब वापस आते हो तो वो इन ऑर्डर होता है, तो बिटवीन पे इन। और जब राइट से आते हो तो वो पोस्ट। ठीक है, तो आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा ट्री है और हमें क्या करना है, हम इसका प्री और पोस्ट और इन ऑर्डर निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लेफ्ट से आए, लेफ्ट कॉल लगाने से पहले, तो ये हमारा प्री ऑर्डर हो गया। हमने लेफ्ट कॉल लगाई, हम 25 पे आए, ये हमारा प्री ऑर्डर हो गया। फिर से लेफ्ट कॉल लगाई, 12 पे आए, तो ये हमारा प्री ऑर्डर हो गया। अब हमने लेफ्ट कॉल लगाई पर नल था, तो हम वापस 12 पे आ गए। तो वापस जब 12 पे आए तो वो उसका इन ऑर्डर हो गया, तो 12 का इन ऑर्डर हो गया। अब इन ऑर्डर से हमने राइट कॉल लगाई, इसके बाद राइट कॉल पे भी नल था तो वापस हम 12 पे आ गए। अब हम 12 पे राइट साइड पे आ गए, तो ये इसका पोस्ट ऑर्डर हो गया। हम वापस 25 पे पहुंचे, 25 की सारी लेफ्ट कॉल हो चुकी है, तो ये इसका इन ऑर्डर हो गया। हमने राइट कॉल लगाई, हम 30 पे आए, 30 का प्री ऑर्डर। यहाँ से लेफ्ट कॉल लगाई, नल था, वापस 30 पे आ गए, तो ये इसका इन ऑर्डर। राइट कॉल लगाई, वापस 30 पे आ गए, तो इसका पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम 30 से वापस 25 पे गए, 25 के हम राइट पे आ गए, लेफ्ट और राइट दोनों कॉल लग चुकी हैं, तो इसका पोस्ट ऑर्डर हो गया। वापस हम 50 पे पहुंचे, लेफ्ट का सारा काम हो चुका है, तो ये इसका इन ऑर्डर है। हम वापस 75 पे आए, अब राइट कॉल लगा के, तो ये 75 का प्री ऑर्डर है। हमने 75 से लेफ्ट कॉल लगाई, हम 62 पे आए, 62 से लेफ्ट कॉल लगाई, हम 60 पे आए, 60 से हमने लेफ्ट कॉल लगाई, नल आ गया, तो हम वापस 60 पे आ गए, तो ये इसका इन ऑर्डर है। हमने राइट कॉल लगाई, हम वापस 60 पे आ गए, तो ये इसका पोस्ट ऑर्डर है। वापस 62 पे गए, 62 का अभी सिर्फ लेफ्ट का काम हुआ है, अभी हम राइट कॉल लगाएंगे, तो ये इसका इन ऑर्डर हो गया। हमने राइट कॉल लगाई, नल आ गया, वापस 62 पे आ गए, तो ये इसका पोस्ट ऑर्डर हो गया। हम वापस 75 पे आए, 75 का लेफ्ट का काम हो चुका है, तो ये इसका इन ऑर्डर हो गया है। अब हम राइट का कॉल लगाए, हम 87 पे आए, 87 का प्री हो गया। 87 से लेफ्ट की कॉल लगाई, वापस 87 पे आ गए, तो ये इसका इन ऑर्डर हो गया। हमने राइट की कॉल लगाई, हम वापस 87 पे आ गए, तो ये इसका पोस्ट ऑर्डर हो गया। हम वापस 75 पे पहुंचे, 75 के राइट में आ चुके हैं हम, तो 75 का पोस्ट ऑर्डर हो गया। वापस 50 पे पहुंचे, तो 50 का पोस्ट ऑर्डर हो गया। तो ये हमारे हमें ये तीनों चीजें प्रिंट करनी है, एक लाइन में प्री, फिर नेक्स्ट लाइन में इन, फिर नेक्स्ट लाइन में पोस्ट। ये तीनों हमें आउटपुट देने आइटरेटिवली। ये क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें इसे आइटरेटिवली करना है। तो आप खुद ट्राई कीजिए और फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ये खुद ट्राई किया होगा। आइए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये बाइनरी ट्री है हमारे पास, हमें इसका प्री इन और पोस्ट चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, हम स्टेट से डिफाइन करेंगे। हम एक पेयर बनाएंगे नोड और स्टेट का। स्टेट क्या क्या हो सकती है, स्टेट 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। हम बाइनरी ट्री में हर नोड को यूलर पाथ में 3 बार विजिट करते हैं। जैसे कि इस यूलर पाथ में देखते हैं हम कि 50 के नोड को कितनी बार विजिट कर रहे हैं, तो एक बार यहाँ विजिट कर रहे हैं, एक बार यहाँ विजिट कर रहे हैं और एक बार यहाँ विजिट कर रहे हैं। हम 3 बार विजिट कर रहे हैं, तो हम यूलर पाथ में हर नोड को 3 बार विजिट करते हैं। तो पहला विजिट पे प्री कहलाता है, दूसरा विजिट इन कहलाता है और तीसरा विजिट पोस्ट कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्टैक बनाएंगे और स्टैक में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहला नोड ऐड किया, हमने 50 को ऐड किया स्टेट 1 के साथ, तो ये प्री हो गया।
तो हमने जो स्ट्रिंग बना रखी है प्री, उसमें हमने 50 को ऐड कर दिया क्योंकि इसकी स्टेट 1 है। अब स्टेट को इंक्रीज कर दो क्योंकि यहाँ से तो आगे बढ़ना है ना। स्टेट इंक्रीज कर दी तो हमने प्री में ऐड कर ली, स्टेट को इंक्रीज किया और फिर क्या करा, लेफ्ट की कॉल लगाई। लेफ्ट कॉल, हमने लेफ्ट को कॉल लगाई तो 25 आ गया। हमने स्टैक में 25 को ऐड किया, स्टेट अभी 1 है, ठीक है तो स्टेट 1 है तो ये इसका प्री है। 25 को प्री में ऐड किया, फिर स्टेट को बढ़ा दिया, फिर हमने फिर से लेफ्ट की कॉल लगाई, 12 आ गया। 12 की स्टेट अभी 1 है तो मतलब 12 का प्री चल रहा है। हमने स्टेट को इंक्रीज किया, हमने इसकी लेफ्ट कॉल लगा दी, नल आ गया। तो नल है तो स्टैक में कुछ ऐड नहीं हुआ। वापस स्टैक के टॉप पे देखा, स्टैक के टॉप पे अभी 12 है, 12 की स्टेट 2 है, पर अब तो हम इसे इन में ऐड कर देंगे। इन ऑर्डर में हमने 12 को ऐड कर दिया, स्टेट को इंक्रीज कर दिया, स्टेट हमारी अब 12 की 3 हो गई है और हमने राइट को कॉल लगा दी, राइट कॉल, ठीक है। हमने 12 की राइट को कॉल लगाई, नल आ गया, वापस से 12 आ गया, टॉप पे अब भी 12 पड़ा है, स्टेट इसकी अब 3 है। 3 का मतलब है कि, 3 का मतलब है कि पोस्ट हो गया है अब, तो अब 12 हमारा पोस्ट हो गया है, 3 का पोस्ट हो गया। तो पोस्ट होते ही हम कुछ नहीं करेंगे, पोस्ट में से स्टैक में से हम रिमूव कर देंगे क्योंकि अब 12 का काम पूरा हो चुका है। तो पोस्ट होते ही हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे स्टैक में से। 12 हट गया, अब स्टैक के टॉप पे 25 पड़ा है, 25 पे आ गए हम। 25 की स्टेट क्या है, 2, 2 स्टेट का मतलब है इन, तो ये 25 को हम इन में ऐड कर देंगे, स्टेट को इंक्रीज कर देंगे, राइट कॉल लगा देंगे। 30 आ गया स्टैक में, 30 और स्टेट 1, स्टेट 1 है मतलब प्री, स्टेट को इंक्रीज किया और लेफ्ट कॉल लगाई, लेफ्ट पे नल था, वापस टॉप पे देखा 30 है, स्टेट 2 है मतलब 30 का इन, स्टेट को इंक्रीज किया, राइट कॉल लगाई। राइट में भी नल था तो अब भी स्टैक के टॉप पे 30 है पर स्टेट 3 है, तो फिर 30 का पोस्ट हो गया और पॉप कर दिया। अब कहाँ पहुंच गए हम, 25 पे आ गए, स्टेट 3 है तो 25 का पोस्ट हो गया और पॉप हो गया। हमने 25 का स्टेट देखी, 3 थी, हमने उसे पोस्ट में ऐड किया और पॉप कर दिया। हम वापस 50 पे आ गए, अब 50 की स्टेट 2 है तो ये 50 का इन चल रहा है, 50 का इन किया, स्टेट को इंक्रीज किया और राइट की कॉल लगा दी। 75 को ऐड किया, स्टेट 1, स्टेट 1 है तो प्री चल रहा है, स्टेट को इंक्रीज करके 2 कर दिया और लेफ्ट की कॉल लगा दी। 62 को ऐड किया, स्टेट 1 है तो प्री चल रहा है, स्टेट को इंक्रीज किया, लेफ्ट की कॉल लगा दी। वापस से 60 का ऐड किया, स्टेट 1 है तो मतलब प्री चल रहा है, स्टेट को इंक्रीज किया और लेफ्ट की कॉल लगा दी। लेफ्ट पे नल था तो वापस 60 पे आ गए, स्टेट चेक की 2 थी, 2 थी मतलब इन, फिर स्टेट को इंक्रीज करके 3 किया और राइट की कॉल लगा दी। फिर से नल, वापस 60 पे आ गए, 60 की स्टेट चेक करी, 3 थी, 3 थी मतलब पोस्ट, 60 को ऐड किया और पॉप कर दिया। अब स्टैक के टॉप पे है 62, 62 पे आ चुके हैं हम, 62 पे आ गए, 62 की स्टेट देखी, 2 थी तो ये इन चल रहा है, इसकी राइट कॉल लगाई, राइट पे नल था तो आप स्टेट को इंक्रीज करके राइट कॉल लगाई, स्टेट अब चेक की स्टेट 3 हो गई तो 62 का पोस्ट आ गया है, पोस्ट आते ही हम पॉप कर देंगे। अब स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है, 75 और स्टेट पड़ी है 2, तो मतलब 75 का इन चल रहा है तो हम स्टेट को इंक्रीज करेंगे, इन में ऐड करेंगे और राइट की कॉल लगा देंगे। हम 87 पे आ गए, 87 को ऐड किया स्टैक में, स्टेट 1 है तो फिर प्री चल रहा है, स्टेट को इंक्रीज किया, लेफ्ट कॉल लगाई, नल आ गया, वापस चेक किया, स्टेट 2 थी, इन में ऐड किया, स्टेट इंक्रीज करके राइट कॉल लगाई, वापस नल आ गया। तो अब स्टेट चेक करते हैं, टॉप पे क्या है, 3 है तो 87 को हम पोस्ट में ऐड करके पॉप कर देंगे। पॉप करते ही अब स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है, 75, 75 की स्टेट चेक करी, 75 की स्टेट चेक करी, स्टेट 3 है तो ये पोस्ट करके पॉप कर देंगे।
अब स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है, स्टैक के टॉप पे 50 पड़ा है, 50 की स्टेट चेक करी, 50 की स्टेट भी 3 है, तो फिर पोस्ट में ऐड करके और पॉप कर दिया। अब हमारा स्टैक खाली हो चुका है, अब स्टैक खाली हो गया तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो बस इतना ही काम था। तो बस ये तीन चीज़ याद रखनी है। क्या क्या तीन चीज़ याद रखनी है, आइए उन्हें एक बार फिर से लिख लेते हैं। तीन चीज़ क्या थी, स्टेट अगर वन है तो प्री में ऐड करो, स्टेट इंक्रीज करो, और क्या करो, लेफ्ट कॉल लगा दो। स्टेट अगर टू है तो इन में ऐड करो, स्टेट को इंक्रीज करो और राइट की कॉल लगा दो। और आखिरी में अगर स्टेट थ्री है तो पोस्ट में ऐड करके पॉप कर दो। बस इन्हीं दिन का बातों का ध्यान रखना है, और आइए इसे कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम पेयर बनाएंगे। हमने पीप नाम का पेयर बना लिया, जिसमें हम नोड को रखेंगे और स्टेट को वन रखेंगे। हमने अपना एक स्टैक बनाया, स्टैक में हमने अपना ये पेयर अपेंड कर दिया, ठीक है। अब तीन स्ट्रिंग स्टार्ट करी, प्री, इन और पोस्ट। इनको हम कैपिटल में इसलिए लिखा है आई को, क्योंकि हमारा स्मॉल आई वाला इन जो होता है वो ऑलरेडी एक कीवर्ड होता है, तो हम उसे हम ना स्ट्रिंग का नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम व्हाइल लूप लगाएंगे, जब तक हमारे स्टैक की लेंथ 0 नहीं होती तब तक काम चलेगा। जब तक ग्रेटर देन 0 है स्टैक की लेंथ, तब तक काम चलेगा। क्या काम चलेगा, हम टॉप पे चेक करेंगे स्टैक के क्या पड़ा है। स्टैक के टॉप पे देखा, अब अगर टॉप की स्टेट 0 है, 1 है, तो हम कुछ काम करेंगे। एल इफ अगर टॉप की स्टेट 2 है तो हम कुछ काम करेंगे, और एल्स अगर 3 है तो हम कुछ काम करेंगे। तो जब 1 थी तो हमने क्या काम किया, हमने प्री में ऐड किया स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या है हमारी, टॉप डॉट नोड डॉट डेटा, और साथ में स्पेस भी ऐड किया क्योंकि स्पेस सेपरेटेड होनी चाहिए। स्टेट को इंक्रीज कर देते हैं 1 से, और लेफ्ट की कॉल लगानी है। लेफ्ट की कॉल लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि टॉप डॉट नोड डॉट लेफ्ट नन तो नहीं है, अगर नन नहीं है तभी काम करेंगे, तभी हम लेफ्ट की कॉल लगाने के लिए लेफ्ट पैर बनाएंगे, वरना नहीं लगा बनाएंगे। तो हमने लेफ्ट पैर बना दिया, टॉप डॉट नोड डॉट लेफ्ट, और साथ में स्टेट दे दी 1, और हमने इसे पैर को अपेंड कर दिया अपने स्टैक में, अपेंड लेफ्ट पैर। अगर स्टेट 2 है तो क्या काम करेंगे, इन में ऐड करेंगे स्ट्रिंग को, टॉप डॉट नोड डॉट डेटा, साथ में स्पेस, और टॉप की स्टेट को बढ़ाया, स्टेट को इंक्रीज करा, और साथ में फिर से वही काम चेक करा, अगर टॉप डॉट नोड डॉट राइट, क्योंकि हम राइट की कॉल लगाने वाले हैं, हम नन नहीं है अगर, तो हम पेयर बना देंगे राइट पेयर, जिसमें क्या रखेंगे, टॉप डॉट नोड डॉट राइट, साथ में स्टेट रखेंगे 1, और इसे स्टैक में अपेंड कर देंगे। स्टैक में अपेंड कर दिया हमने राइट पेयर। अगर ये स्टेट हमारी 3 है, मतलब 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, तो मतलब 3 है, 3 है तो हम पोस्ट में ऐड करेंगे। पोस्ट में हमने अपनी स्ट्रिंग को ऐड किया, टॉप डॉट नोड डॉट डेटा, साथ में स्पेस, और स्टैक से पॉप कर दिया। बस इतना ही काम था। अब हम लूप से बाहर आके तीनों चीजों को प्रिंट करना है। हम प्री को प्रिंट करेंगे, हम इनको भी प्रिंट करेंगे, और पोस्ट को भी प्रिंट करेंगे। आइए इसे रन करके देखते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है हमारा कोड, सबमिट करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस स्टेट का ध्यान रखना था, अगर स्टेट 1 है तो क्या करना है, 2 है तो क्या करना है, और 3 है तो क्या करना है। कब प्री में ऐड करोगे, कब पोस्ट में ऐड करोगे, कब इन में ऐड करोगे, ट्रैवल सर में, बस इतना ही है। और हमारा आंसर बिल्कुल सही है,
तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। आप खुद करके देखिए, क्योंकि खुद करने से ही सीखेंगे। और मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू।